प्यारे बच्चों, आज मैं नवम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण में दूसरे पाठ के साथ उपस्थित हूँ। यह हमारा चौथा दिन है, अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि विसर्ग संधि का यह चौथा दिन है। इससे पहले हमने सत्व संधि का अध्ययन किया और सत्व संधि के अंतर्गत हमने यह अध्ययन किया कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के शुरू में ट थ या ट ठ इत्यादि, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, इत्यादि अक्षर हो तो उस परिस्थिति में विसर्ग का परिवर्तन कभी तालव्य स्व में, कभी मूर्धन्य स्व में, तो कभी दंत स्व में होता है। आज विसर्ग संधि का हम दूसरा भाग देख रहे हैं। विसर्ग संधि का जो यह दूसरा भाग है, इसको हम रत्व संधि कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इसको रत्व संधि क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसको रत्व संधि कहने का। तो इसके पीछे कारण यही है कि यहां विसर्ग का परिवर्तन रौ में होता है और इसी रौ में परिवर्तन के कारण इसको रत्व संधि कहा जाता है। अब इसके दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि आखिर इसका कंडीशन क्या है, क्या शर्त है इसकी। तो इसकी शर्त यह है कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब विसर्ग संधि है तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग तो होगा ही, लेकिन उसके साथ एक दूसरी शर्त भी है पूर्व पद के लिए, और वह दूसरी शर्त क्या है कि विसर्ग से पूर्व अ एवं आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, मतलब हर्स्व ई दीर्घ ई, हर्स्व उ दीर्घ उ, री ए आई ओ औ में से कोई भी स्वर होगा। पूर्व पद की बात हुई, जबकि उत्तर पद में कोई भी स्वर होता है तो विसर्ग को हम रौ में बदल देते हैं। मैं आपको समझाने के ख्याल से इसको फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि रत्व संधि में विसर्ग का परिवर्तन रौ में हो, दूसरी बात कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग होगा और विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, जबकि उत्तर पद के शुरू में कोई भी स्वर होगा तो विसर्ग को आप रौ में बदल देंगे। अब देखिए कि हम इसके उदाहरण के रूप में क्या करते हैं, तो जरा देखें। हमारा शब्द है मुनिभीर, मुनिभी ही जोर आगतम। अब यहां प्रथम पद के अंत में विसर्ग है, विसर्ग से पहले भौ में हर्ष ई की मात्रा है और दूसरे पद के शुरू में आ है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तो विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो हर्ष ई है और दूसरे पद के शुरू में आ है, तो अब क्या होगा, अब यह विसर्ग जो है सो रौ में परिवर्तित हो जाएगा और आपका शब्द बनेगा मुनिभीर। रौहलंत जोर आगतम, मुनिभीर जोर आगतम। अब इस आ को इस रौ में जोड़ दीजिए आकार की मात्रा के रूप में, तो आकार की मात्रा के रूप में जब आप इसको जोड़ देते हैं तो आपका शब्द बन जाता है मुनि भीरागतम। ये शब्द बन जाता है हमारा मुनि भीरागतम। हम केवल एक उदाहरण और देखेंगे इसमें, जैसे वधु जोर आयाति। अब यहां देखिए क्या होता है,
वधु अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पहले दीर्घ उ की मात्रा है, जबकि दूसरे पद के शुरू में आ है। अब क्या होगा, ये विसर्ग र में बदलेगा और शब्द बन जाएगा बधुर जोर आयाति। अब पिछले ही उदाहरण की तरह इस आ की मात्रा को आकार बनाकर र पर लगा दीजिए, शब्द बन जाएगा आपको बधुराग बधुरायाति। यहां मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि अगर यहां दूसरा कोई मान लीजिए यहां दीर्घ ई है, तो उस स्थिति में र में दीर्घ ई का की मात्रा लग जाती है। अगर यहां ए होगा तो र में ए का की मात्रा लग जाएगी, अर्थात यहां जो स्वर मौजूद होगा उसकी मात्रा यहां र के ऊपर लग जाती है। तो हमने तीन चीजों को देखा, पहला चीज कि विसर्ग का र, दूसरी चीज कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर, तीसरी बात दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर तो विसर्ग र में बदलेगा, उससे पहले जो ये मात्रा है स्वर की उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि दूसरे पद का जो स्वर है शुरू का वह स्वर आपको यहां र पर लग जाएगा और इस प्रकार दोनों में संधि हो जाती है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। दैट्स ऑल।